इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर में लगातार दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर का अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां महू में रहने वाली युवती को शादी का झांसा देकर युवक द्वारा इंदौर में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद युवक द्वारा दूसरी शादी कर ली गई। वहीं शादी का पता लगने के बाद युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने एक युवक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया है। एक लड़की ने उस पर आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा दिया और फिर होटल में ले जाकर उसकी आबरू से खिलवाड़ किया। अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम प्रशांत, पिता समीर खोड़े, निवासी महू है। इंदौर की एक लड़की को उसने अपने प्रेम जाल में उलझाया, उसे शादी का झांसा दिया। करीब 2 सप्ताह पहले उसे अन्नपूर्णा क्षेत्र के एक होटल में ले गया, जहाँ उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने लड़की को कह दिया कि उसकी शादी कहीं और होने वाली। उसने लड़की के साथ मारपीट भी की। पीड़िता अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाँ, एक दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध हुआ है। महू थाना क्षेत्र का आरोपी है, जो महिला को साथ में लेके यहाँ अन्नपूर्णा क्षेत्र में आया था और उसको शादी का झांसा देके उसके साथ अवैध संबंध बनाया था। ये महू के रहने वाले, इसलिए एक दूसरे को पहचानते हुए। आरोपी ने शादी कर ली, आरोपी ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है।